मेघा की सास मालती काफी आलसी और स्वार्थी औरत थी। मेघा के साथ सौतन जैसा बर्ताव करती थी। एक दोपहर को मेघा किचन में आई तो उसने देखा सास ने एक जगह जगह हलवा गिराया था। कढ़ाई भी बिना साफ किए वैसे ही छोड़ गई थी। मेघा को गुस्सा आ गया। तंग आ गई हूँ, इस औरत से सास नहीं सौतन है, चुपके से हलवा बनाकर गई और मुझे खबर तक नहीं होने दी। अकेले खाने में क्या मजा आता है पता नहीं, खाया तो खाया मेरा काम बढ़ा दिया, जूठे बर्तन और गिरा हुआ हलवा छोड़कर मेरे लिए बहू बनकर आई थी, नौकरानी बन बैठी हूँ। मेघा ने किचन का काम खत्म किया और मालती के कमरे में आई। मालती बिस्तर पर आराम कर रही थी। मॉम जी, आपको जो भी खाना हो मुझे बोलना, मैं बना दूंगी। चिप चिप कर खाना और गंदगी फैलाना मुझे पसंद नहीं। सारे काम खत्म करके गई थी, लौट कर आई तो फिर से गंदगी। ठीक है, जा अब, सोने दे मुझे। ऐसी थी मालती, स्वार्थी और आलसी। एक दोपहर मेघा कमरे में आराम कर रही थी। मालती खिड़की के पास खड़ी कॉल पर बात कर रही थी। अचानक उसका ध्यान खिड़की से बाहर गया। बाहर जमकर बारिश हो रही थी। हे भगवान, बिन मौसम बरसात कपड़े छत पर सूख रहे हैं, महारानी तो आराम फरमा रही हैं। मालती भागते भागते छत पर आई और उसने वही किया जो उसे करना था। उसने सिर्फ अपने कपड़े उठाए और बाकी कपड़े भीगते छोड़कर नीचे चली आई। थोड़ी देर बाद मेघा ने बारिश देखी। वह फौरन छत पर आई और देखा पूरे कपड़े भीग गए थे, बस मालती के कपड़े नहीं थे। मेघा सब कुछ समझ गई। आप सास हो या सौतन, बस अपने कपड़े लाई आप, हमारे कपड़े बारिश में भीग गए, अब हम कल क्या पहनेंगे? अरे मैं नींद में थी, पलके भारी हो गई थी, जो हाथ लगे वो ले आई। ननद में भी भेदभाव करती हो, गजब की मतलब ही हो। उसमें सिर्फ मेरे कपड़े नहीं थे, आपके पति और दोनों बेटों के भी कपड़े थे, मेरे नहीं, कम से कम उनके तो ले आती। चल छोड़, सोने दे मुझे। लेकिन इस बार मेघा सास को नहीं छोड़ने वाली थी। उसने फैसला कर लिया कि वह सास को सबक सिखा कर ही रहेगी। ठीक है, आप मुझे सौतन समझती हो तो मैं भी आपको सास नहीं मानती, कल से अपने कपड़े खुद धोना। हाँ जा जा, मैं खुद धो लूंगी। फिर क्या, दूसरे दिन मेघा ने सास के कपड़े हटाकर बाकी कपड़े धोए और मेघा के हटाए हुए अपने कपड़े सास ने धोए। लेकिन दोनों अपने कपड़े छत पर एक साथ ही सुखाती थी। एक हफ्ते तक सिलसिला चला, फिर भी सास को सबक न मिला। अरे यह क्या, रोज अपने कपड़े खुद रगड़ती है और फिर भी अकड़ दिखाती है। यह बिस्तर गर्म करे और मैं अपना खून जलाती फिरूं। नहीं नहीं, अब समय आ गया है इसकी नींद खराब करने का। मेघा ने गार्डन से पौधों को पानी देने वाला वाटरिंग कैन लिया और उसमें पानी भरकर छत पर चली आई और छत से सास की खिड़की पर पानी छोड़ने लगी। मालती बिस्तर पर लेटी ऐश कर रही थी। जैसे ही उसने करवट बदली उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। हे भगवान, फिर से बारिश, ये कोई मौसम है बारिश का? मेरे कपड़े भीग जाएंगे। मालती भागते भागते छत पर पहुंची। छत पर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, तेज धूप निकली रही थी। लगता है बारिश रुक गई। चलो अच्छा हुआ, नींद पूरी कर लेती हूँ। वह नीचे आकर लेट गई। जैसे ही वह नीचे आई छत पर छिपी मेघा फिर से खिड़की पर पानी का फव्वारा छोड़ने लगी। पानी देखकर मालती फिर से डर गई। हे भगवान, बारिश पागल तो नहीं हो गई? लगता है ऊपर नीचे करते करते मेरे घुटने खराब होने वाले हैं। फिर भागते हुए मालती छत पर आई, लेकिन बारिश तो थी ही नहीं। लगता है बारिश सावन का महीना मिस कर रही है, इसीलिए रो रही है और सो रही है। लेकिन इस बारिश से मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है। मालती फिर नीचे आई, मेघा ने फिर पानी डाला, मालती फिर ऊपर आई और नीचे गई। इस प्रकार सिलसिला वाटरिंग कैन का पानी खत्म होने तक चलता रहा। फिर शाम हो गई और मेघा मालती के साथ साथ सबके कपड़े लेकर नीचे आई, क्योंकि उसे पता था सास को सबक मिल चुका है। इधर मालती घुटने दबाते हुए सोच रही थी, मर गई, मैं ही पागल थी जो बहू से दुश्मनी बोल ली। बेचारी कपड़े भी धोती थी और सूखे कपड़े उतार कर भी लाती थी,
उस दिन उसकी जरा सी आग क्या लग गई, मैंने तो बिल्कुल उसे पराया कर दिया। सिर्फ अपने कपड़े लेकर आ गई, उसी का नतीजा भुगतना पड़ा आज मुझे। आज बहू से माफी मांगनी ही पड़ेगी। तभी हाथ में मालती के कपड़े लेकर मेघा उसे देने आई। मेघा को देखते ही मालती दर्द भरी आवाज में बोली, माफ करना बहू, हद से ज्यादा मतलबी बन गई थी। मुझे गलती का एहसास हो गया है, मैं माफी मांगती हूँ। आज के बाद मतलब खोरी बिल्कुल बंद। बस मुझे पराया ना समझो, तुम लोगों में मुझे भी शामिल कर लो। ठीक है, कल से कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझी ना, कोई अपना हमें पराया करे तो कैसा लगता है। इस प्रकार मालती ने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। देती भी कैसे, उसे इतना बड़ा सबक जो मिल गया था।